गोलागतनी समाचार बटुए सिमरी से खबर के हेडलाइन सुनी। पहले मेहरारू करैलस कुड़की के आदेश, पुलिस कैलस गिरफ्तार आ पुलिस के चकमा दे के भइल रहे फरार, लेकिन पुलिस अब इनका के क लेले बिया गिरफ्तार। खबर का बटुए सब कुछ बताई भोजपुरिया समाचार। सेमरी से खबर बाद 24 घंटा के अंदर हथकड़ी सरका के भागे वाला वारंटी जेकरा पर कुड़की जब्ती के आदेश भइल रहे उनका के सेमरी थाना के पुलिस ध लेले बिया। 24 घंटा के अंदर एकर गिरफ्तारी भइल बटुए। संबंध में एएसपी श्रीराज काल्हुए बतैले रही कि ताबातोड़ छापेमारी जारी बा, जल्द ही गिरफ्त में आ जाई हैं। बता दी कि इतवार के दिन इनकर गिरफ्तारी भइल रहे। मझवारी गांव के रहे वाला राजेश यादव जेकर नाम बतावल जाता, पुलिस के द्वारा बक्सर कोर्ट में पेशी खाती ले जाए जात रहे। गोलंबर पर पहुँचते राजेश यादव चकुदारन के चकमा दे के हथकड़ी के सरका के भाग निकलन, जौना से पुलिस महकमा में हड़कंप मच गए रहे। थानेदार के पसीना पर पसीना छूटत रहे। बक्सर पुलिस के हाथ पाँव फूले लागल रहे। एएसपी श्रीराज यह मामला के खुद अपना देख रेख में अभियान चलावत रही। अंत में ही जौन बटुए आज सुबह जिला के औद्योगिक थाना क्षेत्र के दल सागर गांव के पास पकड़ लियल गई। पुलिस एगो राहत के सांस लेलस। एएसपी श्रीराज बतैनी कि इनका खिलाफ काले बतैले रही कि एगो और केस चलावल जाई। सुरक्षा के बीच हथकड़ी सरका के भागे के केस चली। हालांकि संजोगी ठीक बा कि यह जिला के कप्तान नरम बाड़े, नहीं तो ऐसने ऐसन केस में कई जगह बिहार के अलग अलग कोना से भोजपुरिया समाचार चलैले बा कि हथकड़ी सरका के भगले आरोपी तुरंत ओजा के एसपी ध के आ कागज पर कार्रवाई कर दिले बड़े, निलंबित तक कर दिहल गई बड़े। ई सौभाग्य मनावस लोग हिजा के थानेदार कि समय भी दिया था, टाइम भी दिया था आ एक और परिणाम भी लोग देता, थानेदार लोग देता। तो बड़ा खबर उरा सबके बता दी कि मेहरारू से मारपीट कैले रहनी राजेश यादव, जेकरा बाद इनका ऊपर कुड़की के आदेश भइल रहे। पुलिस इनका के गिरफ्तार कर लेल रहे। गिरफ्तार कैला के बाद इनका के टेम्पू में बैठा के आ कोर्ट में ले जाए जात रहे। तब तक कॉम्बेस्टर होटल के नज़दीक के चकमा दे के हथकड़ी सरका के 9-2-11 राजेश यादव हो गए रहे। पुलिस के पसेना पर पसेना छूटत रहे। मामला ये रहे कि कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी भइल रहे, ले जाए के रहे न्यायालय में आ बीचे रास्ता ही 9-2-11 हो गए। जेकरा बाद पुलिस अपना तरीका से खोजे शुरू कैलस, दिन रात एक कर दिहलस। 24 घंटा के अंदर ही आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आ गए। एकरा बाद आज जब इनका के ले गोईल गोईल हटुए, भारी पुलिस बल लगा के फिर से कोनो चकमा मौत दे देव। जवन काम गड़बड़ैला के बाद पुलिस लोग के आँख खुलता, वो काम गड़बड़ाए के पहले ही अगर आँख खुल जाए तो ये मामला इतना ना बढ़ित। मतलब ये बटुए कि जब भी कौनो आरोपी के ले जाए तो अपना से सतर्क रही, अलर्ट रही, नहीं तो मौका मिली आ चिड़ई पिंजड़ा से उड़ी। ई हाल हो गई बटुए। कई थाना से साल भर के अंदर कुल 9-2-11 भइल बड़े, नई नई जोर थाना से भगल है जवन आज तक ना मिलने। अभी ये थाना से भगल है जवन मिल गए हैं। एगो और थाना बक्सर के रहे संभवतः इटाढ़ी थाना, वोजो से भागल, वो 48 घंटा के अंदर मिल गए। तो पहले ही से काहे ना हम डोणा कस के मजबूत रही कि ऐसन घटना दुर्घटना होखबे मत करे। भोजपुरिया समाचार एक एक खबर पर निगाह बनैले बा।
आ हर खबर मजबूती के साथ देखले बा। बस शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करी। बहुत बहुत धन्यवाद।